हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है फ्रांस की आर्मी को भारत के रंग में रंगते देख पाकिस्तानियों ने मारी चीखें। तो भाई साहब, फ्रांस की आर्मी की जो आर्मी है वो भारत के रंग में रंग चुकी है इस टाइम। पहले सीन क्या हुआ जानेंगे, इस पर पाकिस्तानी मीडिया चीखें मार रहा है, क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है तो स्टार्ट। वो रसाकशी फ्रांस मिलिट्री भाई, सारे रसाकशी कर रहे हैं। वो इंडियन आर्मी है साथ तो हाँ, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है। तो यू सी, यूरोप में जो इंडिया में 10 साल पहले हुआ, यूरोप में अब होने जा रहा है। इस टाइम बड़े बड़े जितने आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर वहाँ से बन के आ रहे हैं, आपके AI के काफी सारे जितने हैं पावर प्लांट, वो सारे वहाँ पे लगे हुए हैं और उनके बच्चे हार्वर्ड में जाके पढ़ रहे हैं, गूगल के CEO बने हुए हैं। जो इंडियन फिलोसफी है वो दैट इज ऑल्टरनेट टू द वर्ल्ड। और हम ये देखते हैं दार साहब कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हो या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहाँ के कल्चर की। आई स्वेयर टू गॉड, आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, कैद आजम यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा निकाल के बिठा लें, इंडिया के किसी पब्लिक कॉलेज का बच्चा उठा के बिठा लें, उनको कहें दोनों आप बैठे, देखते हैं दोनों में से प्रेजेंटेबल कौन है। और कहते हैं कि वहाँ के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने कितने, मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, आपको हंसी आएगी। अब हमारे जब बच्चे बाहर के मुल्क जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके मुंह के ऊपर मैंने दुबई में देखा, डिग्रियां मारते हैं लोग। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बालफाज दीगर आवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा। हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है, भारत की धरती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और फ्रांस के बीच एक टग ऑफ वार देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, मेघालय के उमराई में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण रविवार को संपन्न हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त रणनीतिक संचालन और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना था। इस दौरान एक टग ऑफ वार का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस के जवान रस्से को खींचते हुए नजर आए। ये टग ऑफ वार भारतीय स्टाइल में भारत और फ्रांस के जवानों की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए किया गया। दोनों सेवा के त्रिसेवा प्रतिनिधि मंडलों ने समापन समारोह का अवलोकन किया। इसे अंतिम कानूनी अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई। रविवार को सैन्य युद्ध अभ्यास प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ। यह युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। जो इंडियन फिलोसफी है दोनों करते हैं वो दैट इज ऑल्टरनेट टू द वर्ल्ड। और हम ये देखते हैं दार साहब कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हो या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की। और कहते हैं कि वहां के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने कितने, मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में, जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी है, लेकिन वो ठीक है कि हमने बहुत कुछ बदल डाला कि हम तो वो सरतन से जुदा की जो पॉलिसी है उसको अपना लिया, जो कुछ हो रहा है आप पता ही आपको तो। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पर तैयार होता है, प्लीज बताइए जी। देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है, इंडियन कल्चर की। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा भगवान उन पर ब्लेस्ड है, जो उसको ओन नहीं करते वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन है। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं है। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हमने भी ये तमीज आ जाए इस खित्ते के लोगों को,
और अपनी माँ धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो जो सोवरेन स्टेट है वो उस पर उससे भी आइडेंटिफाई करें, अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें, मगर अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये होती कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब उसमें खूबी क्या है जिसकी वजह से मैं इतने बड़े रूट्स नहीं बोलने चाहिए? उसकी खूबी यह है कि हमारा जो कल्चर है, हिंदू सिविलाइजेशन जो है या सनातनी सिविलाइजेशन है, चलिए हो सकता है हिंदू शब्द मुसलमानों को या वहाँ के क्रिश्चियंस को कोई इतना अट्रैक्ट ना करे या सनातनी ना करे, मगर भारतीय तो है, हम सब भारतीय हैं। जैसे मैंने पीछे कहा, एक जर्मन यूरोपियन है, एक फ्रेंच भी यूरोपियन है, वो सब यूरोपियन है। तो हमारी धरती हम सब की पहले उस रीजन की है, भारत की धरती है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब इनका सीधा के कहने के मतलब, बेशक आपका अलग अलग अब देश हो गए, लेकिन एक टाइम पे ये सारा कुछ एक ही था। तो मतलब अपने आप को रिकॉग्नाइज करो एज अ, मतलब तुम ये ना बोलो कि भाई तुम तुर्की हो गए या तुम अरब हो गए, तुम जो तुम्हारा जो रूट्स हैं वो मतलब वाकई एक मतलब भारत के साथ ही है हमारे भाई सारे। एग्जांपल मैं वहीं से देता हूँ, आप इंडियन देखो तौर तरीके का मैं नहीं कहता, हमारे ख्यालात और होंगे, हमारी सोच अलग होगी, हमारी हरकतें अलग होंगी, लेकिन एक जगह पे पाकिस्तानी और इंडियन को खड़ा कर दो ना, और किसी को भी कहो कि इनको बताओ ये कौन सा इंडियन है कौन सा पाकिस्तानी, नहीं दिखा सकता। अब मैं कहता हूँ कोई भी बंदा ले फार को, ये देखो इंडिया फ्रेंच मिलिट्री के साथ कैसे घुल मिल गया, रस्सा कशी खेल रहे हैं भाई। ये लेवल है, ये इंडिया को मतलब हर देश इतना पसंद कर रहा है कि ये देखो आप आर्मी की मिसाल देखो, सही बात है। और इन लोगों ने कोई अभ्यास किया और ये हर साल होता है, हर साल फ्रेंच आर्मी कभी आती है कभी इंडियन आर्मी जाती है, तो मतलब ये जो है ये चीजें हर साल भारत कर रहा है। मैंने एक बात नोट की है, पूरी दुनिया में जो भी देखो इंडिया आता है या इंडिया से बाहर कोई जाता है, हाँ। वो या इंडिया का कोई फेस्टिवल किसी बाहर के कंट्री में होता है, वो ऐसा घुल मिल जाते हैं इंडिया के फेस्टिवल्स में या इस चीज में कि बंदा कहता है कि यार इनको देखो वो अपना रहे हैं इस तरह भाई, पूरी दुनिया से भारत हाँ। में आके एक मुख्य अपना रहे कल्चर को, ये चीज। और इंडिया में जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो भारतीय होने पर बहुत बड़ा गर्व करता है। बिल्कुल ये बात है। और भाई यार देखो एक इसमें कोई डाउट नहीं है, देखो बात ही नहीं है, पहले चाहे अफगानिस्तान साइड देख लो, पाकिस्तान देख लो, भूटान देख लो, नेपाल देख लो, ये सारे श्रीलंका देख लो, ये एक ही मतलब पहले बंदा। आपका भी इसका कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।